करीब 1.5 लाख के करीब लोग हो जाते हैं। महाड़ा से लेकर के एक कब्रिस्तान तक जब पहुंचते हैं तो मेरे ख्याल से जुलूस नहीं रहता होगा। महाड़ा से जब निकलते हैं तो जो औलमाओं का जो होता है काफिला, वो कब्रिस्तान तक पहुंच जाता है। अब अंदाज़ा इससे लग सकता है कि लाखों की तादाद में लोग रहते हैं। ये जुलूस हमारा मालवनी 7 नंबर जामा मस्जिद से निकलता है, मालवनी 8 नंबर महाड़ा होते हुए फिर वापस 7 नंबर होते हुए कांदिवली कब्रिस्तान, कांदिवली चारकोप कांदिवली कब्रिस्तान पहुँचता है। ये लगभग 5 किलोमीटर का फासला होता है। ये जोहर की नमाज के बाद में सबका आना होता है जामा मस्जिद पे, और 3 बजे जुलूस शुरुआत होती है, और 1.5 से 2 लाख लोग रहते हैं, और सिर्फ आदमी रहते हैं, इसमें औरतें नहीं होती है, और 1.5 से 2 लाख रहते हैं। और करीबन मगरिब के टाइम पे हम लोग कब्रिस्तान पे पहुंच जाते हैं, मगरिब की नमाज़ वहीं पढ़ते हैं। ये सजाने में हमारा कम से कम 1 महीने से तैयारी रहती है ईद मिलादुन्नबी की, क्योंकि मरकज़ होने के नाते हर किसी को दावत देना, उनको बुलाना, फिर उनके लिए खाने का इंतज़ाम करना, और जितने लोगों को साफ़ा देना, उनके लिए अपना क्या नाम है रथ, ये सब चीज़ का इंतज़ाम हम लोग को करना पड़ता है, और हर चीज़ का इंतज़ाम जामा मस्जिद करती है, और करीबन 1 महीने से इंतज़ाम का काम चलता है। इसमें करीबन 60 उलमा रहते हैं, 60 मस्जिद के, और उनको साफ़ा और जुब्बा ना जामा मस्जिद की तरफ से दिया जाता है।